हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC। और दोस्त, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको छत्तीसगढ़ से इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ से बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं 12th के बाद। यस, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। अगर आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हो, DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई से भी अगर आपको कॉलेज मिल रहे हैं तो वहाँ पर जाना सही होगा नहीं होगा कि नहीं, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। उसमें भी लंबी कहानी है। अपने को लगता है कि DU है तो कोई सा भी कॉलेज है घुस जाओ, बट उसमें भी बहुत कुछ है जो मैं आपको समझाऊंगा, बात करूंगा, अपन आपस में बात करेंगे। अभी बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पढ़ना सही है या नहीं। बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को। सबसे पहले बात करते हैं, आपने JEE एग्जामिनेशन दिया होगा, JEE मेन, JEE एडवांस, NTA ने कंडक्ट किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब क्वेश्चन बैठता है कि अगर आपने JEE क्वालिफाई कर लिया होता तो ये वीडियो आप क्यों देखते। ठीक है, ये भी मैं मानता हूँ। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं हटा देता हूँ जिन्होंने JEE क्वालिफाई कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कोई भी NIT है तो आप वहाँ जा सकते हैं, डिपेंडिंग कोई भी थोड़ी कंडीशंस हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपने एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे मुझे NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT रायपुर में और NIT अरुणाचल प्रदेश में कुछ ब्रांचेस मिल रहे थे अपने रैंक के अकॉर्डिंग, बट स्टिल आई सिलेक्टेड अ प्राइवेट कॉलेज इन आवर स्टेट। रीज़न, उस सभी के बारे में बात करते हैं। आपकी कंडीशन क्या है? जनरली मैं मान के चलता हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ में पढ़ने की इच्छा नहीं है, तभी आप ये वीडियो को देख रहे हो, अदरवाइज आप ये वीडियो को नहीं देखते। और मेजर माइंडसेट यही है। मुझे भी पहले प्रैक्टिकली यही लगता था जब मैं 11th 12th में प्रिपरेशन करता था, और टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता था कि यार कहीं भी पढ़ लूँ छत्तीसगढ़ में तो नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मेरा माइंडसेट था। बिकॉज आई वॉज अवेयर अबाउट नथिंग, मुझे रियलिटी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, अब आते हैं, यहाँ पर आप इंजीनियरिंग करते हो तो सेमेस्टर फीस रहती है आपके अराउंड 35,000। अगर आप इसको एवरेज, अब वो बढ़ रहा है, वो 36-37 तक जा रहा है, अगर मैं 35 मानूँ, और अगर आप 8 सेमेस्टर लेते हो तो लगभग 2,80,000 3 लाख तक में आपकी इंजीनियरिंग निपट जाती है, अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो तो। स्टिल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पटना से, बिहार से भी लोग आते हैं, पहले काफ़ी आते थे, अभी कम हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास जम्मू कश्मीर के भी हैं, लेकिन इन जनरल यहाँ से बच्चे बाहर जाने की प्रिपरेशन करते हैं। तो कॉस्ट तो मैंने बता दिया इंजीनियरिंग का, यहाँ पर सिर्फ इतना है। अगर आप बैंगलोर में पढ़ने का सोच रहे हो, VTU यानी कि विश्वेश्वरैया या टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, लाइक RV कॉलेज, ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय फुल फॉर्म है इसका, RV कॉलेज, या फिर MS रमैया यहाँ पढ़ रहे हो, देन इट्स एक्सीलेंट। बाकी वहाँ पर एवरेज कॉलेज में अगर आप जा रहे हो, एवरेज कॉलेज में जाओ या फिर रिप्यूटेड लाइक RV MS रमैया में जाओ, आपको रहने खाने का सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो पढ़ने वाला है। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना, यहाँ 3 लाख पढ़ रहा है, वहाँ आपको 20 लाख पड़ेगा। यस, ब्रांच आप कौन से ले रहे हो, जैसे मान लो आप बैंगलोर में गए जहाँ पर वो कंप्यूटर साइंस, IT ये सारे ब्रांचेस का काफ़ी ज़्यादा बूम है, हाइप है, आप वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहे हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं मिलेगी। हो सकता है 20 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको उतना रिटर्न ना मिले। कमाल की बात मैं बताता हूँ, मैं और हमारे दोस्त लोग सब आपस में डिस्कस करते रहते हैं कोई ना कोई बात को लेके। आप 20 लाख, चलो ठीक है, आपकी फैमिली वेल इक्विप्ड है, इनकम है, तो आप चलो सोच सकते हो, ज़रूरत है कि नहीं उसकी भी मैं बात करता हूँ। लेकिन अब मान लो जनरल बैकग्राउंड से आते हो, जहाँ पर जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने फैमिली को बोला कि भाई मुझे तो बाहर जाके पढ़ना है छत्तीसगढ़ से, माँ बाप क्या है, खुद को बेच देंगे आपकी खुशी के लिए, तो वो तो सीधा सीधा हाँ बोल देंगे, वो कभी भी मना नहीं करेंगे आपको। उसके बाद खुदा ना खास्ता बहुत अच्छी जॉब नहीं लगी, क्योंकि अब कॉलेज में जाके आप तो जनरली हर स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन के दौरान भी जो पढ़ लेता है वो भर जाता है, और जो ढह जाता है वो गायब हो जाता है। तो जॉब ढंग की वगैरह नहीं लगी, या फिर आपकी जॉब लगी कितने की, 4 लाख पर एनम की, जो आपको यहाँ से भी लग जाती है, तो 20 लाख का लोन कैसे चुकाओगे भाई, ज़िंदगी भर के बैंक का लोन चुकाते रहोगे। और कमाल की बात बताता हूँ, ये सिर्फ हुई अंडर ग्रेजुएट की बात, दिमाग खोलो अपना, मेरी बात ख़राब ज़रूर लग रही होगी लेकिन आज के डेट में अंडर ग्रेजुएट का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप कोई टॉप IIT से नहीं किया, NITO को भी मैं नहीं गिनता, तो प्राइवेट कॉलेज का हाल तो छोड़ ही दो, और SRM VIT की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो आपको 20 से 25 लाख तो कहीं जाएगा नहीं, मीन्स इतना पैसा वहाँ पर आपका लगेगा, रहना खाना कॉलेज फीस साथ में, वर्थ नहीं है क्या? बहुत वर्थ है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो टॉप रैंक लेके वहाँ पर जाते हैं। क्यों? उनके फीस कंसेशन होते हैं पहली बात,
दूसरा उन्होंने खुद को इतना बिल्डअप किया है कि वो जहां पर भी जाएंगे वहां पर परफॉर्म करेंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट एक तो मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हैं, उधर 10-20 लाख अलग और इधर 4 साल का अलग, तो माँ बाप के 40-50 लाख तो ऐसे गवाते हैं बच्चे जैसे, मतलब मीन्स स्टूडेंट्स लाइक मी, सारे स्टूडेंट्स, ये हाल है। ये प्रैक्टिकलिटी आपको समझनी है। यहाँ पर एजुकेशन इतना अच्छा है छत्तीसगढ़ में, CSVTU इतना ज़्यादा एनकरेज कर रहा है। यस, मैं CSVTU को प्रमोट कभी नहीं कर रहा हूँ, ये चैनल मैंने अपने दम पे खड़ा किया है, ना किसी के प्रमोशन से ना किसी के कुछ से, बस मुझे जो मैंने अपने प्रैक्टिकलिटी में सीखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इतने कम 35,000 सेमेस्टर फीस, चलो 70,000 एक साल की फीस में, वहाँ पर कितनी रहती है एक साल की फीस? 2 लाख, 2.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक जाती है, और 10 लाख रहना खाना पूरे सब कुछ मिला के 20 लाख, 15-20 लाख जाता है। यहाँ पर घर ही में रहोगे, घर ही में पढ़ोगे, बाहर से आओगे हॉस्टल मेस का फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब तो CSVTU में भी BTech की डिग्री आपको मिल रही है, ये बात समझो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। AICTE ने यहाँ पर पूरा सिलेबस सेम कर दिया IIT NIT और प्राइवेट कॉलेजेस का। यहाँ पर 70,000 की फीस में आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, इतने सारे वर्कशॉप होते हैं, इतने सारे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। TechWhip 3 के तहत यहाँ पर काफ़ी फैकल्टीज के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं। और फाइनल कमाल की बात बताऊं, आज के डेट में ऐसा हाल हो गया है, यस कंपनीज बहुत अच्छी नहीं है, उनका पे स्केल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप 4 साल रगड़ के मैकेनिकल सिविल टेक्निकल पढ़ते हो, जॉब किसकी करोगे? मार्केटिंग की, बायजू की, ठीक है बायजू कंपनी जो है उसकी करोगे, मार्केटिंग की। बहुतों को नहीं सूट करती, बहुतों को अर्जेंट जॉब चाहिए रहती, तो सो दे स्टिल गो फॉर दैट एंड दे प्रोवाइड देयर बेस्ट, यार दे सर्व देयर बेस्ट टू द कंपनी दैट दे आर वर्किंग फॉर। ये बात को समझो ना, जिनको करना है जाते हैं, लेकिन आज के डेट में आपको मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत है। अंटिल अनलेस आप IIT से MTech सॉरी BTech नहीं कर रहे हो तो वैल्यू अब नहीं बची है BTech की। ये बात हम जो आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है BTech, अदरवाइज आपको मास्टर्स बहुत अच्छे से जगह से करना है। तो क्या फिर भाई दिमाग लगाओ, ये 12वीं का बच्चा नहीं सोच सकता। आप जनरली होगे 11th 12th में जो ये वीडियो को देख रहे होगे, या फिर फर्स्ट ईयर में जो कॉलेज आ चुके होंगे वो अपने आपको कंपेयर कर रहे होगे। खुद ही हिसाब लगाना माँ बाप का कितना पैसा लगाया। अगर आप बाहर जाके पढ़ रहे हो तो आपको जनरली 15 से 20 लाख लगेगा। मास्टर्स भी आज के डेट में लोग करते ही हैं, गेट का या किसी का भी कहीं का भी एग्जाम का फॉर्म दोगे, कैट का दोगे, वहाँ 15-20 लाख और अलग। उस वक्त जॉब लगे ना लगे कोई गारंटी नहीं है, माँ बाप की उम्र निकली जा रही है, घर में कर्जे अलग हैं, सब कुछ बेच दिया माँ बाप ने आपको पढ़ाने के लिए। इस बात को समझो, यहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। फैकल्टीज दे आर ऑल टाइम रेडी यार सिखाने के लिए, और वो भी टीचर हैं, उनको भी सब कुछ नहीं आता, लेकिन उनका एटीट्यूड है सीखने का। एटीट्यूड की बात आती है यार, वो एटीट्यूड ही नहीं है हमें इंजीनियरिंग का, तो कहाँ से हम इंजीनियरिंग करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बदनाम करते हैं कि कुछ तो करना था, इंजीनियरिंग कर लिए, बहुत स्कोप है बोलते हैं कर लिए। ये सारे बात सुनने को आते हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है यार। तो छत्तीसगढ़ इज एक्सीलेंट प्लेस, यहाँ से इंजीनियरिंग करो, कंपनीज बहुत सारी यहाँ पर आती है। येस कोर कंपनीज अभी बहुत कम आ रही है टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल आप यहाँ से रह के बहुत अच्छा बिल्डअप कर सकते हो प्रोफाइल में। कोई एग्जाम्पल सेट करके बात करना अच्छा नहीं लगता मुझे, प्रोफाइल मीन्स प्रैक्टिकलिटी पे बात करना मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे प्रूफ देना अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो कॉलेज है BIIT दुर्ग, तो पैनासोनिक कंपनी है वो, मैंने आपको ये बताया है अपने लाइव सेशन में कि उसके जो पैनासोनिक इंडिया के जो मेन हेड है सबसे टॉप पोजीशन पे, वो हमारे प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं छत्तीसगढ़ के। उनके नाम है मनीष शर्मा, सर्च करिए लिंक्डइन पर या गूगल करिए। यहाँ से प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के वो सबसे पैनासोनिक के सबसे बड़े हेड है पूरे इंडिया के, ही इज़ एट द टॉप। उसके नीचे पूरे, उनके नीचे पूरी आती है पैनासोनिक, प्राइवेट कॉलेज का बंदा था वो। क्या है ये, पूरा आपके कॉम्पिटेंस और स्किल पर डिपेंड करता है यार। आपको लगता है कि आप जितना पैसा दोगे उतना ज़्यादा आपका एजुकेशन होगा? काहे की मानसिकता है ये मुझे समझ नहीं आता। इतने अच्छे नोट्स मिलते हैं, लाइब्रेरीज की फैसिलिटी है, NPTEL के प्रोग्राम्स आ गए हैं, फैकल्टीज दे आर ऑल टाइम रेडी फॉर द गाइडेंस। नहीं समझते, रिसर्च पेपर पब्लिश है इतने सारे। अभी तो AICTE ने गेट की भी प्रिपरेशन फ्री में कराने का स्टार्ट किया, सोचा है मैं उसके बारे में भी कभी आपको बताऊंगा सेपरेटली, मैंने एनरोल किया है उसमें। तो ये सब बात समझो और यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करो, यहाँ से बहुत अच्छा कुछ करके जाओ छत्तीसगढ़ से। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पे घर में इनकम इतनी है, मुझे यहाँ रह के पढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिलीव मी। आपको अपने कॉलेज में हर समय कोई ना कोई बंदा तो मिलेगा जो आपसे ऊपर आपको दिखेगा। जिस दिन आप सबसे बेस्ट में पहुंच गए ना, समझना कि अब आपके क्वेश्चन करने का टाइम आ गया कि क्या कॉलेज मुझे सही में दे रहा है कि नहीं।
ये तो आपको कॉलेज की देने की बारी है, और आपका मन है आप बाहर जाकर पढ़िए तो बिल्कुल पढ़िए। मैं तो बोलता हूँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, कन्वर्ट करने के चांसेस भी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा पैसे भी देखने पड़ेंगे ना, घर की कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी। और वहाँ पर जाके मैक्सिमम लोग बर्बाद होते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता यार, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलने में। जब आपस में मिलकर बात करेंगे तो मैं बताऊँगा, कैमरे में अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको, मैं ये सब बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या बोलूँ मैं आपको। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, काफ़ी शॉर्ट सा मैसेज था, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, साइंस टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अपना ध्यान रखो, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।